सोलन में आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जयराम सरकार को किसान बागवानों का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सेब के दामों पर MSP पर 1 रुपये बढ़ाया है, जो कि हिमाचल की जनता और बागवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा होता तो सरकार इस विषय में कुछ ना करती। उन्होंने कहा कि अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनावी झुंझुना लेकर जयराम सरकार बागवानों के हितों की बात करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि किसान बागवान और पब्लिक के मुद्दों की ओर जयराम सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। सुरजीत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की GDP में 13% हिस्सा बागवानी का है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देकर आज प्रदेश की जयराम सरकार बागवानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पैकिंग मटेरियल भी लगातार महंगा होता जा रहा है। सेब सीजन आते ही बागवानों को बगीचों में 15 से 17 बार दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन जो अनुदान राशि दवाइयों पर बागवानों को दी जाती थी वह सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है और आज बाजारों में वही दवाइयाँ महंगी बिक रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इसी बात को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर DC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश की सरकार बागवानों के हक में कुछ कर सके। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों बागवानों की मांग को पूरा किया जा सके। वहीं सुरजीत ने कहा कि यदि जयराम सरकार और उनके मंत्री इनके मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे सकते तो अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। विभिन्न विभागों में चल रहे रिक्त पदों को लेकर भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द सरकार इन पदों को भरे, ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो बागवानों की हितैषी नहीं, इनके खिलाफ है। ये किसानी और बागवानी विरोधी जो भाजपा सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कितनी संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मात्र 1 रुपया MSP पे बढ़ाया है सेबों की कीमत पे। सेब के ऊपर 1 रुपया बढ़ाना मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ, उन हजारों लोगों के साथ मद्दा मजाक है कि 1 रुपया बढ़ाकर आप क्या बताना चाहते हो, क्या संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ। ये तो मजाक कर रहे हैं आप। इससे बेहतर तो, इससे अच्छा तो ये होता कि आप कुछ भी ना करते, पर ये जो चुनावी छुंचना आप बागवानों को थमा रहे हो 1 रुपया बढ़ाकर, ये ना करके आप, इससे पहले इससे अच्छा होता कि बागवानी के हित में अपने पदों से रिजाइन देते, त्याग पत्र देते। देखियो साथियों, ये सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है पब्लिक के मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से बागवानी के में बहुत ज़्यादा, देखिए पिछले कुछ समय से इस तरीके के हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसकी कीमतें आसमान छू रही है। यहाँ पर पूछने से पता लगा कि बागवानों को 13 से 17 बार एक साल के अंदर दवाइयों का छिड़काव सेब के ऊपर करना पड़ता है, पर उस पे अनुदान दी जाती, उसके ऊपर जो अनुदान राशि सरकार के माध्यम से दी जाती थी बागवानों को, वो बंद कर दी गई है। तो देखिए, बड़ा दुखद विषय है, बड़ा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 13% की GDP बागवानी से हिमाचल प्रदेश को मिलती है, उसको भी हम लोग, उसका भी रख रखाव हम लोग नहीं रख पा रहे हैं।